हैंगिंग गार्डन गार्डन की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है। जब उस हैंगिंग बास्केट में अगर फूलों वाले पौधे लगे हुए हों तो गार्डन में तो चार चांद ही लग जाते हैं। विंटर सीजन आ चुका है और इस टाइम बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिन्हें कि हैंगिंग बास्केट में लगा के हम बहुत खूबसूरत हैंगिंग गार्डन बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं विंटर सीजन में लगने वाले लगभग 10 एक पौधे आपके साथ शेयर करने वाली हूं, जिसे कि आप हैंगिंग बास्केट में लगा के खूबसूरत हैंगिंग गार्डन तैयार कर सकते हैं। प्लांट हम पॉट में भी लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जब वो हैंगिंग बास्केट में लग जाता है और उसमें बहुत अच्छे से फूल आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती हमारे गार्डन में ऐड हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पौधे हैं जिन्हें कि अगर आप हैंगिंग गार्डन के शौकीन हैं तो आप इन पौधों को अपने हैंगिंग बास्केट में लगा के गार्डन को सुंदर बना सकेंगे। इनमें से फ्रेंड्स सबसे पहला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स पिटूनिया। पिटूनिया एक बहुत ही खूबसूरत विंटर फ्लावर प्लांट है, जिसे विंटर का राजा भी कहा जाता है। जब ये पौधा ब्लूमिंग पे आता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है और बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग सा लुक देता है। बहुत वैरायटी में इसके फूल आते हैं, तो इसे ज़रूर आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं, जिससे कि आपका गार्डन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखे। तो हैंगिंग बास्केट के लिए पहला ऑप्शन है पिटूनिया। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स, आप पेंजी लगा सकते हैं। इसके फूल बटरफ्लाई की तरह दिखते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है हमारे हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ। थर्ड प्लांट है फ्रेंड्स, आप ज़रूर लगाइए अपने हैंगिंग बास्केट में इम्पेशंस का प्लांट। ये एक सकुलेंट टाइप प्लांट है, इसीलिए पानी कम से कम दे और मिट्टी वेल ड्रेन बनाए। तो हैंगिंग बास्केट में इम्पेशंस के प्लांट बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं और बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग भी करते हैं। फोर्थ नंबर में है फ्रेंड्स विंका सदाबहार की, जो हैंगिंग वाले प्लांट आते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इसमें दो वेराइटी आती है, जो है एक पॉट में लगाई जाती है जिसे हम पॉट में लगाते हैं, और एक हैंगिंग बास्केट के लिए क्रीपर टाइप आता है, उसे हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे देन वो बेस्ट लगता है हैंगिंग बास्केट के लिए। ये हाइब्रिड वाली वेराइटी में आता है और बहुत खूबसूरत लुक देता है। फिफ्थ नंबर में फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं गजानिया। गजानिया बहुत अच्छी सी ब्लूमिंग करता है, तब बहुत अच्छा लुक देता है हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ। काफ़ी सारे कलर वेराइटी में आता है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सिक्स नंबर में फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं स्वीट अलाइसम का पौधा, बहुत खूबसूरत लगता है। इसके छोटे छोटे फूल वाइट कलर के बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसमें फ्रेंड्स काफ़ी खुशबू भी रहती है, जिससे कि आपके आसपास का एरिया काफ़ी खुशनुमा सा भी हो जाता है। तो स्वीट अलाइसम का पौधा भी आप ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए, हैंगिंग बास्केट में लगाइए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला पौधा आप लगा सकते हैं डैंथस का। डैंथस एक घासनुमा पौधा होता है और छोटे छोटे इसमें फूल आते हैं, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो इसे आप ज़रूर अपने हैंगिंग बास्केट में लगाएं, वैसे पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप बर्वीना लगा सकते हैं। बर्वीना में भी बहुत सारी कलर वेराइटी मिल जाती है और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि इसमें आते हैं गुच्छों में फूल, जो कि बहुत खूबसूरत लुक देता है। फिर फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं फूसिया का पौधा। फूसिया एक बहुत ही खूबसूरत सा फूलों वाला पौधा है, जिसके फूल नीचे की तरफ लटकते हुए ग्रो होता है और बहुत सुंदर लुक देता है। हैंगिंग बास्केट में लगा के इस प्लांट को फ्रेंड्स आप अपने गार्डन में एक अलग सा लुक दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं जीनिया की ड्वार्फ वाली वेराइटी, जो कि स्पेशली विंटर सीजन में मिलती है। छोटे छोटे फूल आते हैं और बॉल शेप ले लेता है ये पौधा जब अपनी ग्रोथ पे आता है, और छोटे छोटे ढेरों फूल से ये पौधा पूरी तरीके से कवर हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है। तो इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स विंटर के ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिसे कि आप हैंगिंग बास्केट में लगा के खूबसूरत हैंगिंग गार्डन बना सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने 9-10 पौधे आपके साथ शेयर किए। आगे किसी और वीडियो में और भी पौधे मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आप और भी पौधे हैंगिंग बास्केट में लगा के खूबसूरत हैंगिंग गार्डन बना सकें। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नहीं किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।